कराची से खबर तक की खबरों में आपको कहेंगे खुशामदीद और सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। मियांवाली, भक्कर और डीजी खान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसात, 11 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, दर्जनों जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, इश्तिहारियों, गैर मुल्की बाशिंदों समेत मुतादिद मुश्तबा अफराद गिरफ्तार, असलहा भी बरामद। सरगोधा, खुशाब, मियांवाली, भक्कर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जलजिले के मामूली झटके, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3.6 रिकॉर्ड की गई। अहमदपुर शर्किया में महकमा तालीम के जेर एहतमाम तकरीब और वॉक का एहतमाम, शरह खानगी में इजाफे के लिए यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन सर्वे का आगाज कर दिया गया। मुल्तान शहर में कई शिकस्ता हाल इमारतों को इंतहाई खतरनाक करार दे दिया गया, दुकान की बौसीदा छत गिरने से 5 अफराद जख्मी हो गए। हासिलपुर में गैरकानूनी तौर पर एलपीजी की रिफिलिंग जारी, इंतजामिया ने चुप साध ली, शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा किया। टोबा टेक सिंह में निजी फलाही तंजीम की जानिब से 3 रोजा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। तमाम तर दावों के बावजूद गिजाई बहरान पर काबू ना पाया जा सका, मिट्टी में मजीद 2 बच्चे मौत के मुंह में चले गए, रवां साल हलाकतों की तादाद 250 तक पहुंच गई। घोटकी में सखर बोर्ड के तहत जारी मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान पेपर आउट होना मामूल बन गया, नवीं जमात का सिंधी और उर्दू का पर्चा वक्त से पहले ही आउट हो गया। म्युनिसिपल कमेटी मीरपुर खास के 518 मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम, बैंक में भेजा जाने वाला 91 लाख रुपए का चेक बाउंस हो गया। पिशावर में रिक्शा ड्राइवर्स एक बार फिर मुतालिबात के हक में सड़कों पर निकल आए, मुजाहिरीन ने हुकूमत से चालान की रकम में कमी का मुतालिबा कर दिया। शांगला के इलाके करोड़ा में बारिशों ने कयामत ढा दी, लैंडस्लाइडिंग के बाईस अब तक 9 अफराद जानों से हाथ गंवा बैठे। चमन में एफसी की कार्रवाई, अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी का एजेंट गिरफ्तार, असलहा, डेटोनेटर्स और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। आजाद कश्मीर के सदर सरदार याकूब खान का कहना है कि उनके इस्लाफ ने तहरीकी आजादी के लिए बंदूक उठाई, अब कलम की ताकत से मकबूजा कश्मीर को आजाद करवाया जाएगा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सुबह पंजाब से। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसात के नतीजे में 11 अफराद जां बहक, जबकि दर्जनों जख्मी हो गए, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मियांवाली में मुजफ्फरगढ़ रोड पर बस और ट्रॉलर के तसादुम के नतीजे में 8 अफराद जां बहक, जबकि 10 जख्मी हो गए, जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। भक्कर में कलोरकोट रोड पर पेश आने वाले हादसे में तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।
मियांवाली में मुजफ्फरगढ़ रोड पर बस और ट्रॉलर में तसादुम के नतीजे में 15 अफराद जां बहक जबकि 10 जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। भक्कर में कलोरकोट रोड पर पेश आने वाले हादसे में तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में माँ बेटे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। हादसे के बाद इमदादी टीमें मौका पर पहुँच गयी और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहाँ माँ बेटे समेत 3 अफराद जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। डीजी खान में तौसा के मुकाम पर स्कूल वैन हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 12 बच्चे जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में 3 बच्चों की हालत तशीशनाक बताई गई है। हरिपुर में छप्पर रोड पर स्कूल वैन खाई में जा गिरी। हादसे में 8 बच्चे जख्मी हो गए। तुरबत के इलाके दश्त में 2 बसों में तसादुम के नतीजे में 40 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। साहिवाल में लाहौर रोड पर बस और वैन में तसादुम के नतीजे में 8 खवातीन समेत 22 अफराद जख्मी हो गए। साहिवाल में लाहौर रोड पर मुसाफिर वैन और मजदा बस में तसादुम हुआ। इस हादसे के नतीजे में 8 खवातीन समेत 22 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू अहलकारों और ईदी के रजाकारों ने इत्तला मिलने पर फौरी कार्रवाई करते हुए जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में रेस्क्यू अहलकारों ने 16 जबकि ईदी की टीम ने 2 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। तमाम जख्मियों को तिबी इमदाद दी जा रही है, जबकि मामूली जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद फारिग कर दिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पुलिस के सर्च ऑपरेशन के दौरान इश्तिहारियों, गैर मुल्की बाशिंदों समेत मुतादिद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से असलहा भी बरामद हुआ है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पुलिस की जानिब से दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों, जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। बहावलपुर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने जराइम पेशा अफराद की मौजूदगी की इत्तलात पर सर्च ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान 10 इश्तिहारियों समेत 13 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद से असलहा बरामद हुआ है। सर्च ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार अफराद को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब भक्कर शहर में पुलिस के सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन में 7 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जलजिले के झटके महसूस किए गए, जिससे शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों सरगोधा, खुशाब, मियांवाली, भक्कर, नूरपुर, थल में जलजिले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजिले की शिद्दत 3.6 रिकॉर्ड की गई। जलजिले के झटके महसूस होते ही शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया और शहरी कलमाए तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक जलजिले का मरकज खुशाब से 12 किलोमीटर के फासले पर था और जलजिला 86 किलोमीटर की गहराई से आया। सराय मुगल में बासर जमींदारों ने अपने खेतों में ऊंट दाखिल होने पर मालिक को डंडों से शदीद तशद्दुद का निशाना बना दिया। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की। इसी हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज इरफान से। इरफान, आगाह कीजिएगा, वाकया कैसे पेश आया और अभी तक पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? जी, ये वाकया जो है वो ये तहसील सराय गीत के गाँव दो गुजरा में पेश आया है, जहाँ पर 55 साल बुजुर्ग लियाकत अली का ऊंट जो है वो चरते हुए अल्ताफ, अनीस वगैरह के खेतों में चला गया, जिस पर उन्होंने लियाकत को डंडों और छोटों के साथ खोप किया, मारा पीटा और यहाँ पर उन्होंने बस नहीं किया, उसका लेकर उसका सर पे मोड़ दिया। वाकई की इतला पर तहसील सैलम के सदर सराय आलमगीर के थाना में मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया 5 अफराद के खिलाफ, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी पर नहीं हो सकी। जी, कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, मुकदमा दर्ज हो चुका है। इरफान हफीज हमें आगाह कर रहे थे सराय मुगल से, आपका शुक्रिया। लैया की यूनियन काउंसिल शौकताबाद में सरकारी मिडिल स्कूल, जहां बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, वहीं चार दीवारी से भी वो महरूम है। पंजाब के सरकारी तालीमी इदारों में सिक्योरिटी के हवाले से इंतजामात ताहाल मुकम्मल नहीं हो सके। पंजाब के सरकारी तालीमी अदारों में सिक्योरिटी के हवाले से इंतजाम ताहाल गैर तसली बख्श हैं। ऐसे ही कुछ हालात लैया के इलाके शौकताबाद में कायम सरकारी मिडिल स्कूल के हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम तो दरकिनार स्कूल की चार दीवारी मुख्तलिफ मकाम से टूट फूट का शिकार है। असाजा ने अपनी मदद आपके तहत स्कूल के गेट के सामने रुकावट लगा रखी है। स्कूल के अकब में चार दीवारी न होने के बायस मवेशी, आवारा कुत्ते घुस आते हैं। वक्त न्यूज से गुफ्तगू करते हुए असाजा का कहना था कि
हुकूमत की जानब से स्कूल की सिक्योरिटी के हवाले से कोई इंतजाम नहीं किए गए। स्कूल के असाज़ा ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि स्कूल की चारदीवारी बनाने के अहकाम जारी किए जाएँ और स्कूल में चौकीदार और नायब कासद भी तैनात किए जाएँ। बाउंड्री वाले हैं वो हमारे नहीं है, हमारी सिक्योरिटी जो है ना वो ना होने के बराबर, और उसके बाद जो है वो हमारे पास कोई पी एन या चौकीदार या सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है, तो जितना वो मुतलका काम होता है वो टीचर ही मिलके करते हैं। अहमदपुर शरकिया में महकमा तालीम के ज़ेर एहतमाम शरह खानगी में इजाफे के लिए यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन सर्वे मुहिम का आगाज कर दिया गया है। अहमदपुर शरकिया में महकमा तालीम के ज़ेर एहतमाम यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन सर्वे का आगाज कर दिया गया है। इस मुहिम से उन बच्चों को भी तालीम हासिल करने के मौके मयस्सर आएंगे जो किसी वजह से तालीम हासिल करने से कासिर थे। इस ज़िमन में महकमा तालीम के ज़ेर एहतमाम एक इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें 100% दाखिला मुहिम का आगाज करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर राना अमजद अली ने 4 बच्चों को 2 स्कूलों में दाखिल किया। बाद इस मुहिम की आगाही के लिए जिना हॉल से चौक मुनीर शहीद तक वॉक भी की गई। पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा कोई बच्चा जो है वो आउट ऑफ स्कूल नहीं होना चाहिए, सबको एडमिशन करवाना चाहिए। प्लेग्राउंड भी बहुत अच्छे हैं, प्राइवेट स्कूलों से बदरजहां बेहतर हमारे गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, उनमें बच्चों को बेखतर होकर वहाँ दाखिल करवाएं, इंशाल्लाह उनका मुस्तकबिल महफूज होगा। हमारे जितने आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं सारे के सारे 100% हम उनको दाखिल करें और इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। शरह ख्वानदगी में इजाफे के लिए होने वाली आगाही मुहिम में हर मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। मुल्तान शहर में कई शिकस्ताहाल इमारतों को इंतहाई खतरनाक करार दे दिया गया है। बारिशों के दौरान कोई ना कोई इमारत जमीन बोस हो जाती है जिससे कई इंसानी जानों का भी ज़िया होता है। मुल्तान में हर साल बारिशों के दौरान कोई ना कोई इमारत जमीन बोस हो जाती है। मुल्तान में हर साल बारिशों के दौरान किसी न किसी इमारत का जमीन बोस होना मामूल बन चुका है। हादसात के नतीजे में मुतअद्दद अफराद भी लुक्मे अजल बन चुके हैं। ज़िले इंतजामिया की जानिब से शिकस्ता हाल इमारतों के मालकान को कई बार नोटिस दिए गए मगर अमली तौर पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। आज भी बिहार चौक पर दुकान की छत गिरने से 5 अफराद जख्मी हुए जिनमें से 4 को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, उनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। अंदरून शहर में इतने मकान जो है ना ज़ेर तामीर हैं कि गिरने वाले हैं, बेचारे गरीब लोग रहते हैं कि दब के मर जाते हैं, गिर के करंट लग के मर जाते हैं, लेकिन कोई तवज्जो नहीं देता यहाँ पर। दान दे हम अभी एक मिनट में पहले खाली कर देंगे। वो कहते हैं ना शहर के लोग जाना नहीं चाहते, यह मजबूरी के तहत रह रहे हैं लोग यहाँ पर। हमारी ये मजबूरी है कि हम बाहर मकान नहीं खरीद सकते ना बना सकते हैं। महकमा बिल्डिंग्स भी कार्रवाई से गुरेजा है और जिले इंतजामिया इस बारे में कोई मौकफ देने से इनकारी है। जिले इंतजामिया का फर्ज है कि खतरनाक करार दी गई इमारतों को मस्मार करने के लिए फौरी इकदाम करे ताकि मजीद कोई इंसानी जान जाया न हो। सियालकोट में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की करप्शन के खिलाफ जिले भर के पेट्रोल पंप एहतजाजन बंद है जिसके बाद शहरियों को परेशानी का सामना है। डिस्ट्रिक्ट पेट्रोलियम एसोसिएशन की अपील पर जिला सियालकोट में पेट्रोल पंप मालिकान ने हड़ताल कर रखी है। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज पेट्रोलियम पंप मालिकान से रिश्वत लेता है। उनका कहना था कि शिकायत के बावजूद भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी जानिब पेट्रोल पंप्स बंद होने की वजह से लाखों शहरियों को परेशानी का सामना है क्योंकि पेट्रोल पंप्स को सील कर दिया गया है और उनके आगे रुकावटें लगा दी गई हैं। जिला भर में गली मोहल्लों सड़कों और देहात में ड्रमों में मिलावट वाला पेट्रोल महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों के मुताबिक एहतजाज अपनी जगह, लेकिन 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपये फरोख्त करना बड़ा जुल्म है जिसका नोटिस लेने के बजाय इंतजामिया खामोश है। उधर कमालिया शुगर मिल के मुलाजमीन ने 4 माह से तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाजी मुजाहिरा कर रखा है। मुजाहिरीन ने वाजिबात की अदायगी तक शुगर मिल के बाहर धरने का ऐलान कर दिया है। कमालिया शुगर मिल के मुलाजमीन ने 4 माह की तनख्वाहें न मिलने पर मिल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने शुगर मिल का मरकजी गेट बंद करके आने और जाने वालों का रास्ता बंद कर दिया। एहतजाज 3 घंटे तक जारी रहा। मुजाहिरीन का कहना था कि मिल इंतजामिया मुतअद्दिद बार उनके एहतजाज पर वाजिबात की अदायगी का वादा कर चुकी है मगर ताहाल वो तनख्वाहों से महरूम है। उनका कहना था कि 4 माह से तनख्वाहें ना मिलने की वजह से उनके घरों में फाकों की नौबत आ गई है। उनका मजीद कहना था कि शुगर मिल इंतजामिया की जानिब से उन्हें संगीन नतायज की धमकियां दी जाती हैं। मुजाहिरीन ने कमिश्नर फैसलाबाद और DCO टोबातेक सिंह से इस मामले का नोटिस लेने का मुतालबा किया है।
हासिलपुर इंतजामिया की लापरवाही के बाइस शहर भर में गैर कानूनी तौर पर एलपीजी की रिफिलिंग की जा रही है। हासिलपुर में गैर कानूनी तौर पर एलपीजी की रिफिलिंग का सिलसिला जारी है, जबकि इंतजामिया ने शहरियों की जानिब से बारहा शिकायत के बावजूद चुप साध ली है। कुछ अर्सा कबल रेलवे रोड पर एलपीजी की रिफिलिंग के दौरान खौफनाक धमाका हुआ था, जिसमें 8 से जायद जाने जाया हो गई थीं, जबकि कई अफराद जख्मी भी हुए थे। कुछ रोज कबल भी चूनावाला रोड पर वैन में गैस सिलेंडर लीकेज से वैन में आग लग गई थी, जिसकी जद में आकर एक तालिबे इल्म जख्मी हो गया था। इस वाक़े के बाद इंतजामिया हरकत में आई, लेकिन फिर मिली भगत से गैर कानूनी तौर पर रिफिलिंग का आगाज कर दिया गया। शहरियों ने आला हुकाम से मामले का नोटिस लेने और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। सरगोधा में डेंगू मच्छर से बचाव के लिए आगाही मुहिम का अहतमाम किया गया है। सरगोधा में जरा इंतजामिया की जानिब से डेंगू मच्छर से बचाव के लिए आगाही मुहिम का अहतमाम किया गया। इस वॉक में डीसी ऑफिस से शुरू होकर डीपी ऑफिस तक इख्तिताम पजीर होना था। वॉक में डीसीओ सरगोधा, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर्स का कहना था कि डेंगू एक काबिल इलाज मर्ज है, लेकिन एहतियात इलाज से ज्यादा जरूरी है। वॉक के शुरका ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर डेंगू से बचाव और इलाज की तदाबीर दर्ज थी। शेखुपुरा के रिहायशी हेपेटाइटिस के मरीज मोहम्मद इकबाल की अपील पर वजीर अला पंजाब ने उसे 2,30,000 रुपए माली इमदाद देने का ऐलान कर दिया है। शेखुपुरा के इलाके फारूकाबाद में रिहायश पजीर हेपेटाइटिस के मरीज मोहम्मद इकबाल ने वजीर अला से बजरिया तहरीरी खत इलाज के लिए माली इमदाद की अपील की थी, जिस पर वजीर अला ने नोटिस लेते हुए एमएस जिना अस्पताल लाहौर को हिदायत जारी की हैं कि वो फिल फॉर मोहम्मद इकबाल के इलाज के लिए तमाम इकदाम करे। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए पब्लिक हेल्थ रुकने पंजाब असम्बली चौधरी सज्जाद हैदर गुजर ने मोहम्मद इकबाल के घर जाकर उसे वजीर अला पंजाब की जानिब से माली इमदाद का चेक और इलाज और मुआलजे की दस्तावेजात पेश की और वजीर अला की जानिब से हमदर्दी का इजहार और जल्द सेहतियाबी की दुआ की। मोहम्मद इकबाल ने अपने खत का बरवक्त नोटिस लेने पर वजीर अला पंजाब का शुक्रिया अदा किया है। मंडी शाह जूना में निजी स्कूल में तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। बच्चों ने शानदार परफॉर्मेंसेस का मुजाहिरा भी किया। मंडी शाह जूना के एक निजी स्कूल में सालाना इम्तिहानात और तकरीब तकसीम इनामात मुनाकिद हुई। इस मौके पर बच्चों में तकरीरी मुकाबले भी हुए। स्कूल के नन्हे बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलोज पेश किए, मिली नगमे गाए गए और झंडा लहराते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। स्कूल का रिजल्ट 100% रहा। वालिदैन और हाजरीन ने तुलबा और तालिबात की कारकर्दगी को सराहते हुए स्कूल के प्रिंसिपल और इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की। वजीराबाद के इलाके रसूल नगर में महफिल नात का इनेकाद किया गया, जिसमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीदत के फूल निछावर करते हुए समा बांध दिया। शहर रसूल नगर में 12वें सालाना अजीमुशान महफिल नात का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत मेहर शबीर हुसैन ने की। महफिल में मेहर बरादरान समेत हजारों आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। महफिल में मिस्र से आए हुए करात हजरात ने तिलावत कलाम पाक से हाजरीन के दिलों को मुनव्वर किया। इस मौके पर बानी महफिल मेहर अफजल शहजाद का कहना था कि इश्के मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम के लिए शर्त अव्वल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बगैर किसी का ईमान कामिल नहीं हो सकता और एक हकीकी मुसलमान के लिए नबी की नामूस से ज़्यादा कुछ मुकद्दस नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा है कि दीन इस्लाम की तालीमात पर हकीकी तौर पर अमल पैरा हुआ जाए। इस मौके पर मुल्क के नामवर सनाखानों ने शान रिसालत में हदिया अकीदत पेश करके समा बांध दिया। कुरानदाजी के जरिए महफिल में 4 खुशनसीबों को उम्रा पैकेज देने का ऐलान किया गया। आखिर में पीर सैयद नेमत अली शाह ने मुल्क कौम, मुमताज़ कादरी शहीद और सानिहा लाहौर के मरहुमैन के लिए मगफरत के लिए खसूसी दुआ की। टोबा टेक सिंह में निजी फलाही तंजीम की जानिब से गरीब और बेसहारा अफराद के लिए 3 रोजा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया और इस मौके पर मरीजों का फ्री चेकअप किया गया और उनको अदवायात भी मुहैया की गई। सुल्तान महमूद मजीद रिपोर्ट करेंगे।
टोबा टेक्सिंग के नवाही गांव 334 जीबे में हसन वेलफेयर ट्रस्ट की जानब से 3 रोजा फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया, जिसमें काबिल डॉक्टर की टीम ने सैकड़ों बेसहारा यतीम और गरीब अफराद का चेकअप किया। मेडिकल कैंप में मरीजों को मुफ्त खाना, अद्वियात, रिहायश में तमाम सहूलियत फराहम की जा रही है। जिन लोगों को रूटीन में फैसिलिटीज नहीं मिलती है, स्पेशली जो स्पेशलिस्ट से मेडिकल चेकअप की, वो प्रोवाइड की जाए। यहाँ पे बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स आते हैं और लोगों के साथ कोऑपरेट करते हैं और हर किस्म के फ्री टेस्ट होते हैं। साल में एक दफ़ा कैंप लगता है, फ्री कैंप लगता है। यहाँ पे जो है सारे डॉक्टर जो है वहाँ यहाँ बैठते हैं, यहाँ हर चीज़ फ्री मिलती है, मेडिसिन फ्री मिलती है, टेस्ट वगैरह फ्री होते हैं। अहले इलाका ने फ्री मेडिकल कैंप के इनेकाद पर न सिर्फ खुशी का इजहार किया बल्कि इसे इंसानियत के लिए खिदमत का बेहतरीन तोहफा करार दिया। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। सुबह सिंध से भी खबरों को इस बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद आप रहिए वक्त के साथ। घोटकी सखर बोर्ड के तहत जारी मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान पेपर आउट होना मामूल बन गया है। नवी का सिंधी और उर्दू का पेपर वक्त से पहले ही आउट हो गया। इंतजामिया नकल माफिया के खिलाफ बेबस हो गई है। डहर की सखर बोर्ड के जारी मैट्रिक के इम्तिहानात के दौरान नकल माफिया ने इम्तिहानात को मजाक बना लिया। तालीमी बोर्ड के आला हुकाम की नहली के बायस पेपर आउट होना मामूल बन गया है। आज होने वाले सिंधी और उर्दू के पेपर वक्त से पहले ही आउट हो गए। दोनों पेपर फोटोकॉपी की दुकानों पर 100 रुपए में फरोख्त होते रहे। इम्तिहानी अमला भी तुलबा को रोकने में नाकाम हुआ। नकल माफिया ने इम्तिहानी सेंटर्स की हदूद में दफा 144 के निफास को भी मजाक बना रखा है। शहरियों ने आला पुलिस हुकाम से बूटी माफिया का कलाकमा करने की अपील की है। और बात करें सहराए थर की, तो सहराए थर मासूम बच्चों की जिंदगियों को निगलने में मसरूफ है। सिंध हुकूमत के तमाम तर दावों के बावजूद गिजाई बहरान पर काबू नहीं पाया जा सका। मिट्टी में गिजाई किल्लत के बायस मजीद 2 बच्चे मौत के मुंह में चले गए। रवां साल जाँ बहक होने वाले बच्चों की तादाद 250 तक पहुंच गई। थरपारकर में मौत और भूख का राज कायम है। सिंध के इलाकों थरपारकर और मिट्टी में तमाम तर दावों के बावजूद गिजाई बहरान पर काबू न पाया जा सका। भूखो इफलास और बुनियादी सहूलियात के फुकदान के बायस सूरत हाल अब तक नजर आती है। थरपारकर के मुख्तलिफ इलाकों में गिजाई किल्लत और बीमारियां मुसलसल मौत बांटने में मसरूफ है। रोजाना माओं की गोद उजड़ रही है और वो बेबसी के साथ दुख और गम की तस्वीर बनी है। अस्पताल में सहूलियात की अदम दस्तियाबी भी मुसीबत बन चुकी है। मुतअद्दिद इलाकों में लोगों को पीने का साफ पानी तक दस्तियाब नहीं और मुतासरीन के लिए इमदाद का हुसूल भी ख्वाब बनकर रह गया है। मुतासरीन का कहना है कि दावों के बरक्स उनकी अमली इमदाद को मुमकिन बनाया जाए। चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड सैयद जाकिर अली शाह का कहना है कि हुकूमत सिंध तालीम में बेहतरी और गरीब तालिब इल्मों की मदद के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स तरकीब दे रही है। सैयद जाकिर अली शाह ने अपने दौरा मीरपुर खास के मौके पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा सिंध के 47 लाख तलबा और तालिबात के लिए बोर्ड की जानिब से रवां साल 3 करोड़ से जायद निसाबी कुतुब स्कूलों में तालिब इल्मों को दी जा रही हैं। उनका कहना था कि महकमा तालीम में बायोमेट्रिक निज़ाम से बड़ी तब्दीलियां सामने आई हैं और इस निज़ाम की मदद से सिंध में 6,000 घोस्ट टीचर्स और टीचिंग स्टाफ को नौकरियों से फारिग कर दिया गया है, जबकि स्कूल्स में असातिज़ा की हाजिरी भी बेहतर हुई है। उनका मजीद कहना था कि इस साल हुकूमत की जानिब से स्कूल स्पेसिफिक बजट में 4 अरब रुपये रखे गए हैं और इस बजट को बेहतर तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कमेटियाँ बनाई जा रही हैं, जो कि बजट को सही तरीके से इस्तेमाल करके स्कूलों की बुनियादी सहूलियात को पूरा करेंगी।
میونسپل کمیٹی میرپور خاص کے 518 ملازمین کی تنخواہوں کے لیے بینک میں بھیجا جانے والا 91 لاکھ روپے کا چیک باؤنس ہو گیا۔ ملازمین نے احتجاج کیا ہے۔ میونسپل کمیٹی میرپور خاص کے 518 ملازمین تنخواہوں سے محروم ہیں۔ رواما میونسپل کمیٹی میرپور خاص کے ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے سندھ بینک میں جانے والا 91 لاکھ روپے کا چیک رقم پوری نہ ہونے پر باؤنس ہو گیا۔ بینک ذرائع کے مطابق اکاؤنٹ میں صرف 70 لاکھ روپے موجود ہیں۔ اس حوالے سے میونسپل لیبر یونین کے چیئرمین بابر حسن نے صحافیوں کو بتایا کہ حکومت سندھ کی جانب سے ہر ماہ ٹیکسز کے مد میں 2 کروڑ 47 لاکھ روپے کا بجٹ آتا ہے، جبکہ دکانوں کے کرائے، بس ٹرمینل، سائن بورڈ سمیت مختلف ٹیکسز کے ذریعے 30 لاکھ روپے کی آمدنی ہوتی ہے، جو ٹوٹل 2 کروڑ 77 لاکھ روپے بنتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تنخواہوں کی مد میں تقریباً 1.5 کروڑ روپے آتے ہیں اور اس کے باوجود تنخواہیں نہیں دی جاتی۔ اس موقع پر انہوں نے الزام لگایا کہ باقی بچ جانے والی رقم میونسپل کمیٹی کے افسران کی جانب سے بوگس بل بنا کر خرد برد کر دی جاتی ہے۔ اس ماہ بھی 21 لاکھ روپے جھوٹ بل بنا کر ہڑپ کر لیے گئے ہیں۔ اور اب خبریں ہوں گی خیبر پختونخوا سے۔ پشاور میں رکشہ ڈرائیورز ایک بار پھر مطالبات کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ مظاہرین نے حکومت سے پرمٹ اور پاسنگ فیس میں اضافہ واپس لینے اور جرمانے کی رقم میں کمی کا مطالبہ کیا ہے۔ پشاور میں رکشہ ڈرائیور ورکرز یونین نے ایک بار پھر اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کیا، جس میں سینکڑوں ڈرائیورز نے شرکت کی۔ مظاہرین نے فقیر آباد چوک میں جمع ہو کر مطالبات کے حق میں اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت نے پرمٹ اور پاسنگ فیسز میں اضافے کے علاوہ جرمانوں میں بھی بے تحاشا اضافہ کر دیا ہے۔ غریب ڈرائیورز دن بھر مزدوری کے بعد بھی روزی پوری نہیں کر پاتے، بھاری ٹیکسز اور جرمانے کس طرح سے ادا کریں گے؟ انہوں نے حکومت سے ٹیکسز اور جرمانوں میں کمی کے ساتھ ساتھ پرمٹ کی میعاد بھی 1 سال کے بجائے 3 سال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ شانگلہ کے علاقے کروڑا میں بارشوں نے قیامت ڈھا دی۔ لینڈ سلائڈنگ کے باعث اب تک 9 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے نمائندہ وقت نیوز فضل ربی سے۔ فضل ربی، مزید کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے۔ جی شاہد صاحب، بالکل، شانگلہ میں لینڈ سلائڈنگ نے قیامت ڈھا دی ہے۔ جو حالیہ سیلاب اور بارش ہے اس کی وجہ سے اب تک شانگلہ میں 20 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، لیکن شانگلہ کے علاقہ کروڑا میں جہاں لینڈ سلائڈنگ نے پورے گاؤں کو اپنے لپیٹ میں لیا ہے، جس کی وجہ سے کئی مکانات منہدم ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے اب تک 9 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے مکانات ہیں، دوسرے گھر، ان کو بھی خالی کیا جا رہا ہے۔ یہ اس خدشے کے پیش نظر کہ یہ جو لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے، ان گھروں کو اپنے لپیٹ میں نہ لیں۔ اس کے علاوہ شانگلہ کا جو مین شاہراہ ہے الپوری سے بشامر ڈوار کے سمپرسے کے لیے بند ہے۔ اس کے ساتھ پورن یخنگیا روڈ، کروڑا شاہپور روڈ، کروڑا چکیسر روڈ، ای بہار کے سمپرسے کے لیے بند ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تمام لنک روڈ ہے، شانگلہ کے پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں گیرت روڈ اور لنک روڈ ہے، وہ بہار کے سمپرسے کے لیے بند ہے۔ جس لوگوں کو مشکلات کا سامنا یہ ہے کہ وہ اپنے مریضوں کو ہسپتال منتقل نہیں کر پا رہے ہیں۔ جی فضل ربی، یہ بتائے گا کہ امدادی کاروائیوں کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ شانگلہ میں جو امدادی کاروائی انتہائی سستروی کا شکار ہے، شانگلہ کے انتظامیہ جو ہے اور جو پی ڈی ایم اے ہے، پروینشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، ان کے کہیں بندے ہمیں نظر نہیں آ رہے کہ وہ ریلیف کام تیزی سے کر سکے۔ جو شانگلہ کے غیر سرکاری ادارے وہ کوشش کر رہے کہ وہ علاقوں تک پہنچے جہاں امدادی کام ہونا چاہیے اور کرنا چاہیے، جہاں لوگ دبے ہوئے ہیں، جہاں زخمیوں کو نکالنا چاہیے، لیکن ابھی تک انتظام کیا۔ یہ بتایا گیا کہ شانگلہ کے علاقے کروڑا کے علاوہ دیگر کون سے علاقے ہیں شانگلہ کے جو کہ ان کی زد میں ہیں؟ جی بالکل، کروڑا کے علاوہ داموری، شاہپور اور یختنگے، پورن، نیج والا، کہ یہاں بار بار لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے اور آج جو بارش کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا، اس کی وجہ سے متاثرین میں ایک مایوسی پھیل گئی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بارش کا سلسلہ مزید شدت اختیار کر سکے اور لینڈ سلائڈنگ مزید ہو جائے۔ بہت شکریہ آپ کا فضل ربی، ہمیں شانگلہ سے آگاہ کر رہے تھے۔ شانگلہ کا علاقہ ہے کروڑا اور دیگر علاقے ہیں جہاں پر بارشوں نے قیامت ڈھا دی ہے، لینڈ سلائڈنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے اور اسی کے باعث تقریباً 9 افراد ہیں جو اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور ابھی جو امدادی کارروائیوں کا سلسلہ ہے وہ سست روی کا شکار ہے۔
مالکن ڈویژن کے دوسرے اضلاع کی طرح ضلع لوئر دیر میں بھی حکومت کی جانب سے ٹیکس ایکٹ لاگو ہونے کے خلاف عوامی احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے زیر اہتمام لوئر دیر کے علاقوں تیمرگرہ، خال اور چکردہ میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے ہیں۔ ان مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر ٹیکسز کے ممکنہ نفاذ کے خلاف نعرے درج تھے۔ اس موقع پر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مالکن ڈویژن سیلاب، دہشت گردی اور زلزلے سے پہلے ہی متاثر ہے اور اب ٹیکسز کا نفاذ پسماندہ ڈویژن کی عوام کے ساتھ ظلم کے مترادف ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ٹیکسز کے نفاذ کا فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو منتخب اراکین پارلیمان کے گھروں کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ پریس کلب تیمرگرہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پی پی کے صوبائی رہنماؤں نے بھی ٹیکسز کے نفاذ کو مسترد کرتے ہوئے ایک بار پھر سے بھرپور احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن یہاں پر لیں گے ایک بریک، آپ رہیے وقت کے ساتھ۔ چمن میں ایف سی نے افغان انٹیلیجنس ایجنسی کے ایجنٹ کو گرفتار کر کے اسلحہ، ڈیٹونیٹرز اور دیگر سامان برامد کر لیا ہے۔ ملزم سے برامد کیا گیا اسلحہ دہشت گردی کی واردات میں استعمال ہونا تھا۔ ایف سی نے بلوچستان کے علاقے چمن میں کارروائی کر کے تباہی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ ایف سی کی کارروائی میں افغان انٹیلیجنس ایجنسی کے ایجنٹ کو گرفتار کیا گیا۔ ملزم کے قبضے سے اسلحہ، اسکوپ، پیراکار، ڈیٹونیٹرز برامد کیے گئے۔ ایف سی حکام نے ملزم کی گرفتاری کو بڑی کامیابی قرار دے دیا۔ ترجمان کے مطابق گرفتار ہونے والا ملزم اور اسے برامد ہونے والا اسلحہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہونا تھا۔ ایف سی نے بروقت کارروائی کر کے ملزم کی منصوبہ بندی کو ناکام بنا دیا۔ ملزم کو تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایف سی ترجمان کے مطابق علاقے میں ملک دشمن عناصر کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پی ٹی آئی کے رہنما سردار محمد خان رند کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے عوامی مسائل کو بے دردی سے لوٹا ہے، بہت جلد اس ملک کے عوام کو زرداری نواز ٹولے سے نجات دلائیں گے۔ استا محمد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے سابق وفاقی وزیر اور صوبائی چیف آرگنائزیشن پی ٹی آئی سردار یار محمد خان رند نے کہا کہ سندھ میں سیاسی بنیادوں پر رند برادری کے چیئرمین اور کونسلاران پر جھوٹے مقدمہ درج کر کے ان کو گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب ان کے قبائل پر اتنا ظلم کرے جتنا بعد میں برداشت کر سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ میڈیا کے توسط سے سندھ حکومت کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ گڑی خیرو سندھ میں ناجائز گرفتار قبائل کو فل فور رہا کیا جائے، ورنہ وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور سندھ بلوچستان کی قومی شاہراہ کو بند کر دیں گے، جس کی تمام تر ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی۔ اور اب خبریں ہوں گی آزاد کشمیر سے۔ آزاد کشمیر صدر سردار یعقوب خان کا کہنا ہے کہ ان کے اسلاف نے تحریک آزادی کے لیے بندوق اٹھائی، انہوں نے خطے میں تعلیم پر زور دے رکھا ہے اور اب انشاءاللہ قلم کی طاقت سے مقبوضہ کشمیر کو آزاد کروایا جائے گا۔ راولاکوٹ آزاد کشمیر غازی ملت پریس کلب میں نو منتخب عہدیداران کی حلف برداری کی تقریب منعقد ہوئی۔ اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آزاد کشمیر کے صدر سردار یعقوب خان نے نو منتخب عہدیداران سے حلف لیا۔ تقریب کے شروعات سے خطاب کرتے ہوئے سردار یعقوب خان نے کہا کہ آزاد کشمیر کے صحافی قلمی مجاہد ہیں جو نامساعد حالات میں تحریک آزادی کشمیر کے لیے گرا قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صحافیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں۔ انہوں نے ہمیشہ قلم کی حرمت کا خیال رکھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس پر امن خطے میں سیاحت کو فروغ دینے کے عملی اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ تقریب سے نو منتخب سردار عبدالرضاق خان سمیت دیگر نے بھی خطاب کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، مزید باخبر رہنے کے لیے آپ رہیے وقت کے ساتھ۔